तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन अपडेट करने के लायक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में अपडेट को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेटिंग वाला ऐप्स है, उसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देख सकते हो सर्च बार है, इस सर्च बार पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपडेट लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम अपडेट। जैसे हमने अपडेट लिया तो अपडेट रिलेटेड जितने भी फीचर्स है वो सामने आ गए, और यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम में अपडेट है, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, तो हमको नीचे करते चले जाना है, और यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम एंड अपडेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है चेक फॉर सिक्योरिटी अपडेट, यहाँ पर आपको चेकिंग करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल अपडेट करने के लायक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डाटा को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप डाटा को ऑन करेंगे तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट को क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल में यह बताया जाएगा कि आपका मोबाइल अभी अपडेट करने लायक है या नहीं। तो हम यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने चेक फॉर अपडेट किया है तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो योर सिस्टम इज़ अप टू डेट, यानी कि यहाँ पर लिखाया है चेक फॉर अपडेट, यहाँ पर लिखा है देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 14। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देख सकते हो चेक फॉर अपडेट, आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो चेकिंग किया जा रहा है आपके मोबाइल फ़ोन को। जैसे यहाँ पर यू आर सिस्टम इज़ अप टू डेट, यानी कि अप टू डेट हो गया है, यानी कि अभी आपका सिस्टम यानी कि आपका मोबाइल अपडेट करने के लायक नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल पहले से अपडेट हो चुका है।